Hello students, we have already studied about the dispersion of light and spectrum of light. In this part we will study about the formation of rainbow, what is atmospheric reflection and apparent position of star, as well as why the star seem twinkling whereas planet do not. First one, formation of rainbow. How is rainbow formation? We can say formation of rainbow. एक रेनबो कैसे बनता है? आफ्टर द रेन सम ड्रॉपलेट ऑफ वाटर सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर. बरसात के बाद कुछ पानी की बूंदे एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड रहती, लटकी रहती है. एंड व्हेन द सन रेज पास थ्रू दिस ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, और जब सन की रेज इन ड्रॉपलेट ऑफ वाटर से पास आउट होती है, यू कैन सी या वाटर ड्रॉपलेट जस्ट एक्ट एज प्रिज्म. तो वाटर की ड्रॉपलेट होती है, प्रिज्म का ही काम करती है. एंड दे स्प्लिट व्हाइट लाइट ऑफ सन इनटू सेवन कंपोनेंट्स, एंड दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो. फॉर्मेशन ऑफ रेनबो दैट टेक प्लेस द थ्री प्रोसेसेस, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट. जस्ट आफ्टर द रेन सम droplets of water suspended in the atmosphere these water droplets act as prism. When the rays of sun pass through these droplets, they disperse the white light of the sun in seven components, at that time you can see a rainbow is in the opposite direction of the sun. यानी रेनबो बनेगा सन के ऑपोजिट डायरेक्शन. सन यदि वेस्ट में है तो रेनबो ईस्ट में, सन यदि ईस्ट में है तो आपको रेनबो वेस्ट में दिखाई देगा. द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो takes place by the reflection of light, yani reflection and dispersion of light. अब किस प्रकार से सपोज कीजिए ये सन है, सन ड्रॉपलेट ऑफ वाटर सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर, sun rays passes through this droplet, it splits into seven components. Sun rays आती हैं यहाँ से. Sun rays के अंदर we know that there are seven components, already seven components है. लेकिन कब? जब किसी glass prism से या droplet of water से pass out होते, it splits into seven components.
तो सन रेज जो होती है कुछ इस वे से ही आती है। इस प्रकार यहां पर जो एंगल बनता है ना नियरली 40 डिग्री के आसपास बनता है। When you see in the sky at 40 degree angle, you can see there is rainbow is produced. This is the reason of dispersion of light, reflection of light and refraction of light. सबसे पहले सनरेज आती है यहां एक मीडिया से दूसरे मीडिया में अपने पाथवे से मुड़ गई तो कौन सी प्रोसेस हुई? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आफ्टर दैट स्ट्राइक करने के बाद वापस आ गई तो कौन सी प्रोसेस हुई? रिफ्लेक्शन की। और फिर दोबारा रिफ्रैक्शन हुआ या फिर रिफ्रैक्शन हुआ और उसके बाद सेवन कलर में डिवाइड हो गया। सेवन कलर में डिवाइड कौन सी प्रोसेस है? डिस्पर्शन ऑफ लाइट, तीनों फेनोमेना होती है। यहाँ इस प्रकार जो रेनबो बनता है इसको बोलते हैं प्राइमरी रेनबो। कौन सा? प्राइमरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो के अंदर आप देखिए दो प्रोसेस मेन हुई हैं, वैसे तो तीनों ही हुई हैं। पहले रिफ्रैक्शन, फिर रिफ्लेक्शन और फिर रिफ्रैक्शन। इसका मतलब रिफ्रैक्शन प्रोसेस कितनी बार हुई? दो बार। रिफ्लेक्शन कितनी हुई? तो सीधी सी बात है प्राइमरी और सेकेंडरी में यही फर्क है। प्राइमरी रेनबो के अंदर दो बार रिफ्रैक्शन, वन टाइम रिफ्लेक्शन। इन दिस प्रोसेस टू टाइम्स या ट्वाइस कह सकते बेटा रिफ्रैक्शन एंड वंस रिफ्लेक्शन। डिस्पर्शन तो हुआ ही, सेवन कंपोनेंट्स में दिखाई दिए, डिस्पर्शन तो हुआ ही है, लेकिन रिफ्लेक्शन प्रोसेस कितनी बार? दो बार। और जबकि रिफ्लेक्शन प्रोसेस जो है कितनी बार? एक बार। ठीक है, लेकिन सम टाइम्स यू कैन सी दैट वन रेनबो इज ब्राइट इन कलर एंड अदर इज फेंटर। कई बार ऐसा होता है, इसका कारण क्या है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी रेनबो। अब वो सेकेंडरी रेनबो किस प्रकार से? सपोज यही सन वाटर ड्रॉपलेट्स सनरेज इसमें जो आएंगी यहां से डेविएट होगी अपने पाथवे से। उसके बाद फिर दोबारा इसका रिफ्लेक्शन होगा। एक बार रिफ्लेक्शन हुआ यहां से सनरेज फिर दोबारा आएंगी। इंटरनल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है इसमें, यहां से सनरेज फिर इस वे से। अब अगेन इसका डिस्पर्शन हो जाएगा, सॉरी रिफ्लेक्शन हो जाएगा। दो बार इसमें रिफ्लेक्शन, वन टाइम एंड सेकंड टाइम, और दो बार ही रिफ्लेक्शन, एक बार के टकरा के वापस आई, दोबारा टकराई फिर वापस आई। तो यहां ये जो एंगल बनेगा ना, ये एंगल 50 से मोर देन 50 डिग्री एंगल से ज्यादा, तब आपको दो प्रकार के रेनबो दिखाई देंगे, एक डार्क कलर का और एक फिंटर कलर का। ये कौन सा रेनबो हो गया? ये सेकेंडरी रेनबो। सेकेंडरी और प्राइमरी रेनबो में क्या अंतर है? इसमें दो बार रिफ्लेक्शन और दो बार ही रिफ्लेक्शन हुआ है। इसमें रिफ्लेक्शन दो बार था लेकिन रिफ्लेक्शन वन टाइम हुआ, टू टाइम यानी ट्वाइस रिफ्लेक्शन एंड ट्वाइस रिफ्लेक्शन कंटिन्यूअस। इज दैट क्लियर? दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड हाउ इज द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेनबो? देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेनबो, प्राइमरी रेनबो एंड सेकेंडरी रेनबो। इज दैट क्लियर?